मैं मनी, जैसे कि आप मुझे जानते हो, मेरे चैनल है स्विमिंग बाय मनी, दूसरा है टेक्निकल लवली मनी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज की जो वीडियो है वो स्पेशल है समर शॉल्ट के ऊपर, मतलब कि पानी में कैसे राउंड करें, पानी में कैसे राउंड करके जो पूछ लेते हैं वो सारी वीडियो है उसकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि प्रैक्टिस कैसे करते हैं। और प्रैक्टिस में आपको ये भी पता लग जाएगा कि समर शॉल्ट की प्रैक्टिस कैसे करते हैं और समर शॉल्ट मारते कैसे हैं। ठीक है, तो लगभग सबकी है, ब्रेस्ट की है और बटरफ्लाई, मतलब चारों स्ट्रोक की करेंगे प्रैक्टिस। तो टाइम ना वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, अगर आपको स्विमिंग से कोई भी दिक्कत आ रही है, मतलब कि आप किकिंग कर रहे हो, आपके पैर नहीं चल रहे या हाथ नहीं चल रहे, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर फिर भी बहुत ज़्यादा इशू है तो आप हल्की सी एक वीडियो बना के मुझे भेज सकते हो, जिसके कारण मैं आपकी कमी बता दूंगा। तो चलो समर शॉट की प्रैक्टिस दिखाते हैं और साथ के साथ आपको मैं, बल्कि उसको करा रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या कमियाँ रहती हैं, साथ के साथ उसको बताऊँगा, आपको भी समझ में आएगा। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हैं। तो फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ पे आपने तेज जाना है, बल्कि फ्री की करनी है, अभी तेज जाके समर शॉट मारनी है और उसके बाद उसका टाइम नोट करना है। जैसे इसने 5 सेकंड में मारी है, 5, 6, 7, 8, 10, 5 सेकंड लगा दिए, लेट निकला तू फिर से। तो फ्रेंड्स इसकी आपने कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है। समर शॉट में आपको समझ में आ गया होगा कि ये करना कैसे है। जैसे फ्री की आपने पूरी स्पीड से जाना है, जैसे ये ऊपर पिलर लगे ना, यहाँ से ये 5 मीटर होता है, तो गो, चल 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 तेज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इससे आपकी समर की स्पीड, जैसे ये अभी मार के चल रहा है, इससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड तेज हो जाएगी। ठीक है, तो अभी चेक कर सकते हो, ओए स्लो चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो है ये। डॉल्फिन तेज कर, किकिंग तेज कर और यहीं से चल, फ्री का स्टाइल मारा कर, यहीं से तेज किया कर, गो। तो फ्रेंड्स आपने ये मारने का फ़ायदा तभी होगा जब आप टाइम नोट करोगे कि हाँ भाई इसने समर शॉट के बाद कितना मारा। जैसे कि अभी ये समर शॉट मारी 59 पे, समर शॉट मारी है, ठीक है। उसके बाद आपने काउंट करना है कि कितने सेकंड में ये कितनी दूरी तय करके गया है। ठीक है, चल 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 चल, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, और तेज फिर से। तो फ्रेंड्स इसका आप टारगेट रख सकते हो कि 20 की प्रैक्टिस करनी है, 10 की प्रैक्टिस करनी है या 30 की प्रैक्टिस करनी है। हाँ, अगर आपको समर शॉट यहाँ पे नहीं मारने आती, उसकी टेक्निक भी बता देता हूँ कि कैसे प्रैक्टिस करनी है। बहुत बढ़िया, एक बार सांस ले, देख सकते हो कि पानी में डॉल्फिन कर रहा है, ये डॉल्फिन और समर शॉट की दोनों स्लो हो गया। तो फ्रेंड्स अगर आपको दीवार के पास डर लगता है, कर दीवार के पास डर लगता है, तो आपने क्या करना है, पानी में सिर्फ ऐसे पहले घूमना है, ऐसे घूम के फिर किक मारनी है, इससे आपकी हो जाएगी। 5 बार कंटिन्यू, 5 बार, 5 बार कंटिन्यू। ये गहरे में करना है आपने, गहरे में ना, मतलब कि ये एक चीज़ करनी है, कई बोलते हैं कि ये चीज़ किक करनी है, इससे क्या हो जाएगा कि आपकी जो डॉल्फिन है वो तेज हो जाएगी और साथ के साथ आपको पता भी लग जाएगा। थम्स खुल रहे हैं, थम्स खुल रहे हैं, साथ का थम्स खुल रहे हैं, थम्स खुल रहा है, थम नहीं खुलना चाहिए ये। हाँ चल तेज कर, ये फ्रेंड्स देख सकते हो कि घूमना है और किक मारना है, ऐसे आपको पता लग जाएगी, जजमेंट आ जाएगी कि घूमना कैसे। और घूमते समय आपने ब्रीथिंग करनी है, ब्रीथिंग मतलब कि नाक से सांस छोड़नी है, उल्टी मार अब बैक। हाँ, तो आपने नाक से सांस छोड़नी है, ठीक है। अभी जो उल्टी करा रहा हूँ ये मुश्किल होती है, पर इसमें क्या होता है कि इसमें पता रखता है। हाँ हाँ, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपकी बॉडी में फुर्ती आ जाएगी, जिसके कारण आप दीवार के पास अच्छे से और तेज़ घूम पाओगे, ठीक है। पर जब ये करनी है आपने समर शॉट की प्रैक्टिस, ब्रीथिंग की प्रैक्टिस, जब आपने ये करनी है ब्रीथिंग की प्रैक्टिस आपके अच्छे से होनी चाहिए। और क्या कहते हैं, आपने जब ये घूमना है तो नाक से सांस छोड़नी है, अगर आपने नाक से सांस नहीं छोड़ी तो आपके नाक में पानी चला जाएगा, फिर आप मुझे कमेंट करके पूछोगे कि नाक में पानी चला गया, ठीक है। तो अब हम करेंगे ब्रेस्ट की, चलो ब्रेस्ट की गो। हाँ, तो फ्रेंड्स अब हम कर रहे हैं ब्रेस्ट की, ठीक है। ब्रेस्ट में किकिंग कैसे होती है, ब्रेस्ट कैसे होती है, ब्रेस्ट स्ट्रोक देख सकते हो, ठीक है। ये मैंने सारा बताया हुआ है आपको, ये चेक कर सकते हो। टच करने के बाद पहली बार दोनों हाथ टच होने चाहिए, उसके बाद टच करके जोर से मारना, उसके बाद एक डॉल्फिन, फिर जोर से हाथ, फिर ये किक। टाइम ज़्यादा खा रहा है तू, बहुत ज़्यादा टाइम खा रहा है, वहाँ पे जाने में कितना टाइम लगा दिया और 4 हाथ मार दिए, गो। 10 कंटिन्यू, 10, हाँ 10 कंटिन्यू मारनी है। और दूसरी बात, जब पुश मार रहा है तो ये क्रॉस हो जाना चाहिए, ये सेकंड सिटी दिख रही है ना, ये वाली क्रॉस होनी चाहिए, ये वाली, गो। तो फ्रेंड्स ये ब्रेस्ट की है, ब्रेस्ट की आप देख सकते हो, ठीक है। और वीडियो लंबी हो जाएगी उसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी ब्रेस्ट की दिखा रहा, ब्रेस्ट की 10 बार प्रैक्टिस करनी है। ब्रेस्ट में ध्यान रखना कि आपकी किक सॉलिड होनी चाहिए, क्योंकि किक ही इंपॉर्टेंट होती है। टच किया, टर्न किया और क्विक, और उसके बाद डॉल्फिन की किक और पावर, उसके बाद ये वाली किक। तो फ्रेंड्स अभी ये ब्रेस्ट की कर रहा है, अब हम करेंगे मतलब कि बटरफ्लाई की। अभी इसने काफ़ी कर लिया, मतलब कि 10 कर लिया इसने,
ठीक है, टच और तेज। अभी इसकी ये चीज़ बहुत स्लो है, तो इसी के लिए आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस में आप ध्यान रख सकते हो कैसे करना। तो फ्रेंड्स ये मैंने अभी इसको बताया कि टच करके जल्दी वापस मुड़ना है, टच एंड वापस। अब देखो थोड़ी सी मूवमेंट में तेज आई, ठीक है। तो अभी पुशिंग कम ले रहा है, ओए पुश बहुत कम ले रहा है, पुश बहुत कम है। जितनी ज़ोर से पुश मारगी ये क्रॉस कर जाए। जब तू रिलैक्स मारता है ना वार्म अप के लिए, तो ज़्यादा जोर से पुश मारता है, पुश ज़्यादा जोर से मार, गो फिर से। तो फ्रेंड्स अभी हम करेंगे बटरफ्लाई, तो चलो बटरफ्लाई करें। ये स्लो है, बहुत स्लो है, इसमें बहुत स्पीड होती है, टर्न मारने के बाद बहुत स्पीड होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब बटरफ्लाई किया, बटरफ्लाई में आपने तेज करना होता है, जितना तेज। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, समर शॉल्ट आपकी बटरफ्लाई और ब्रेस्ट में नहीं होती, बैक और फ्री में होती है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना आप। डॉल्फिन बहुत स्लो है, बहुत स्लो डॉल्फिन, जल्दी जल्दी कर गो। और बटरफ्लाई में काफ़ी ज़ोर लगता है फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखना कि अगर आप टेक्निक्स करोगे थोड़ा जोर कम हो जाएगा और स्पीड बढ़ जाएगी। गो गो गो, तेज कर। तो फ्रेंड्स आपको आई होप कि बटरफ्लाई में समझ में आ गया होगा, बटरफ्लाई और समर शॉट में सेम कूदना होता है। इसकी प्रैक्टिस करनी है अभी हमने, मतलब कि इसकी प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं। और ओए बहुत स्लो टर्न मार रहा है, टच कर तुरंत, टर्न मार। टर्न मारने के लिए पूरी बॉडी सीधी करनी नहीं है, टर्न मार के हाफ बॉडी सीधी करके बीच में डुबो, जिसके कारण पानी का वेव नहीं बनेगी। गो। तो ये थक चुका है पूरा, उसके बाद हम घर चलेंगे। अब जैसे ही मारी टर्न, टच अप, जब अपने टर्न मारनी है बॉडी बॉडी सीधी करके मारोगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे ही थी बस स्लो थी, डॉल्फिन बटरफ्लाई में बहुत ज़्यादा नीचे जाने लग गया, तू नीचे नहीं जाना, ऊपर ऊपर ही रहना है, गो। तो फ्रेंड्स बटरफ्लाई की समझ लग गई, अब हम बैक की करके दिखा देते हैं, नहीं तो वीडियो आएगी। हाँ हाँ, तो इसके बाद बैक की करके दिखाएंगे, क्योंकि अभी ये थक गया है और जोर भी लगता है इसमें, समझ रहे हो ना। पहुंचा, देन टर्न, स्लो टर्न कर रहा है डॉल्फिन। अभी इसकी स्पीड तेज है क्योंकि अभी काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है। तो फ्रेंड्स अब बैक की करनी है अब। तो फ्रेंड्स अब करेंगे हम बैक की, तो बैक की आप देख लेना, बैक में भी समझ लो। हाँ बैक की, बैक में आप इसके हैंड भी देख लेना और आपको पता भी चल जाएगा कि करनी कैसे है, ठीक है फ्रेंड्स। समर शॉल्ट की प्रैक्टिस है ये, इसमें तेज चलाना होता है, हाथ मूवमेंट देख लो, ये एंड टर्न। बॉडी झटके क्यों मार रही है, बॉडी ऐसे ऐसे झटके मार रही है, बॉडी मारनी चाहिए, सिर्फ कमर को चला तेज तेज और बाहर आके ब्लॉक नहीं देखना, एक हाथ चलाना सीधा, फ्री के पैर स्टार्ट हो जाते हैं। गो 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 गो, तेज चल, तेज पैर तेज चला, नहीं तो आदत पड़ जाएगी। फ्रेंड्स एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें सभी चीज़ की तेज ही करो, अगर आपने स्लो की तो स्लो की आदत पड़ जाएगी। ये ज़्यादा पास हो गया वैसे, पहली टाइल मतलब कि वो माननी सही है, ये सही थी, और स्पीड कर, बस स्पीड और कर, बाकी सब सही है, स्पीड और कर, बाकी सब सही है। गो, तेरे पैर नहीं चल रहे, लेट के बाहर ऐसे ही चला, चल चला कर कर, गो। तो फ्रेंड्स ये हुई इसकी, चेक कर सकते हो डॉल्फिन। इससे क्या हो जाता है, इससे टाइमिंग, जो छोटी छोटी चीज़ों पे काम करने पे टाइमिंग टूट जाती है, ठीक है। आई होप कि फ्रेंड्स आपको सभी पे समझ में आ गया होगा कि क्या करना है कैसे करना है, तो आप सीख गए होंगे। तो अब हम करते हैं वीडियो का एंडिंग। आई होप कि आपको डॉल्फिन आ गई हो, डॉल्फिन नहीं वो डोल समर शॉट समझ में आ गई हो, और साथ ही साथ आपको समझ में आ गया होगा कि डॉल्फिन भी करनी कितनी ज़रूरी है। अगर आप छोटे छोटे काम मतलब कि छोटे छोटे पॉइंटों पर काम करते हो, उसके बाद अगर आप टाइम नोट करोगे तो आपका टाइम टूट जाएगा। अभी स्कूल स्टेट होने वाली है, मतलब कि आज की ही है, मतलब कि सोमवार को मैं वीडियो ये अपलोड कर रहा हूँ, वैसे ये मैंने संडे को बनाई है मॉर्निंग में जब इसकी प्रैक्टिस चल रही है, और स्कूल स्टेट आने वाले हैं,
स्कूल की स्टेट की कुरुक्षेत्र में ही होने वाले हैं स्कूल स्टेट, तो 9 तारीख से लेके वो 11 तारीख तक है। हाँ तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको तीनों के तीनों दिन का आपको मैं अपनी वीडियो बना के दे दूँ, और फुल डे की तो नहीं दे पाऊँगा, थोड़ी थोड़ी दे पाऊँगा, और उसके बाद बाकी वीडियो आपको हफ्ते में 2 मिली जाती है, मिलती रहेगी। बाकी जो जैसे ये इसकी आपने बिगनर की वीडियो देखी होगी, अभी ये प्रैक्टिस कर रहा है किकिंग की, इसकी किकिंग की प्रैक्टिस अभी काफ़ी पीछे चल रही है, किकिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, ये किकिंग पे अटका हुआ है, धीरे धीरे सही हो जाएगा। और अभी चिंटू की प्रैक्टिस होगी, आपको समझ में आ गया कि समर शॉट कैसे मारनी है। तो मेन मोमेंट ये था कि आपको समर शॉट सिखानी थी, जो कि मैंने सिखा दी। आई होप कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि समर शॉट कैसे मारनी है वगैरह वगैरह वगैरह। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स। और हाँ, अगर आप बिगनर हो, आपने स्विमिंग देखनी है कि कैसे सीखते हैं, तो बिगनर्स के मैंने उस अमित के मैंने वीडियो डाली हुई है, जिसमें वो फर्स्ट स्टेप क्या कर रहा था, दूसरा क्या कर रहा था, तीसरा क्या कर रहा था, वो 3 दिन की वीडियो है। वो लेग्स में 3रे दिन में आके अटका हुआ है, क्योंकि लेग्स मूवमेंट वो अच्छे से नहीं कर रहा। तो जब उसकी लेग्स मूवमेंट अच्छी हो जाएगी, उसके बाद हम आर्म्स में आ जाएंगे। आर्म्स मूवमेंट की मैं वीडियो बना दूंगा जब वो अच्छे से लेग्स कर लेगा, उसके बाद हम करेंगे इसकी पूरी, मतलब सीख जाएगा जी, क्योंकि 10 से 15 दिन में अच्छे से स्विमिंग आ जाती है। तो फ्रेंड्स, आप भी 10 से 15 दिन में सीख जाओगे, मुझे पता है। तो मैंने मेन दिखानी थी समर शॉट की प्रैक्टिस कैसे करते हैं, समर शॉट कैसे मारते हैं, समर शॉट की जब आपको दीवार से डर लगता है तो आप पहले समर शॉट की प्रैक्टिस कर सकते हो। समर शॉट की और बैक की इसलिए करनी है कि बाई चांस हम हाफ में आ जाते हैं, फिर बैक में मुड़ना तो दिक्कत हो जाती है, बैक करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, मतलब कि सही है। तो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वॉच द वीडियो, और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहे। और डिस्क्रिप्शन में टेक्निकल लवली मनी और टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक सबका वीडियो है, तो प्लीज़ उसको भी सपोर्ट करें। थैंक यू वॉच द